नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीपीएसई 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के पंचायती राज का मेरा लेक्चर नंबर 3 है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली में जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके गठन के बारे में, इनके पदाधिकारी के बारे में, और साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है इनके बारे में आज अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे टॉपिक को समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले इसको रीड कीजिए आप लोग। पहला प्रश्न क्या है, यदि यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। समझ में आया तक देख लो, यदि सरपंच का चुनाव क्या हो, लंबित हो, तो कौन सा वह व्यक्ति होगा जो सरपंच के रूप में काम करेगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि सरपंच, ठीक है, बात करते हैं सरपंच के बारे में। सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, याद रहेगा सरपंच क्या होते हैं, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। और ध्यान देना, जो हमारे पास सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि सरपंच के चुनाव में भाग कौन लेंगे, ग्राम सभा के सभी मेंबर। और ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, जिनके पास गांव में वोटर आईडी कार्ड होता है, मतदाता कार्ड होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो हमारे पास सरपंच, इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सरपंच का कार्यकाल कितने दिन तक माना जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान देना, जो हमारे पास सरपंच है, इसका जो कार्यकाल है, ध्यान देना, प्रथम सम्मेलन, जैसे जो पंचायत है, तो ध्यान देना, प्रथम सम्मेलन में जब इसका शपथ होगा, से लेके लगातार 5 वर्ष तक, याद रहेगा, जब ये व्यक्ति ओथ लेगा, शपथ लेगा, से लेकर के 5 वर्ष तक जो सरपंच है उसका कार्यकाल माना जाता है। याद रहेगा, देखो सरपंच का कार्यकाल नहीं, ना तो 1 साल ना 2 साल, ये मैटर नहीं करता बेटा, कार्यकाल पंचायत का होता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि नगर निगम पे जैसे महापौर है, पार्षद है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकाल असेंबली का होगा, नगर निगम का होगा, पंचायत का होता है, ना कि पदाधिकारी का। समझ में आया यहां तक, तो ध्यान रहा बेटा, सरपंच का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल पर निर्भर करता है, और पंचायत का कार्यकाल क्या होता है, प्रथम सम्मेलन की तारीख से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। यहां तक आगे देखो, अब ध्यान देना, अगला का देखा जाए, जो हमारे पास सरपंच है, सरपंच का पद समाप्त कैसे होता है, सरपंच का पद समाप्त कैसे होता है, ठीक है। यहां तक तो देखो, सबसे पहला सरपंच क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है, ठीक है, अपना त्यागपत्र देगा। आप लोग कमेंट करके बताओ बेटा, चलो कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपसरपंच को देता है, कि उपसंचालक पंचायत को देता है, कि संचालक पंचायत को देता है, कि संभाग आयुक्त को देता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास मैंने कुछ 4 ऑप्शन बताए हैं, उपसरपंच को देगा, संचालक पंचायत को देगा, उपसंचालक पंचायत को देगा, या फिर संभाग आयुक्त को देगा सरपंच अपना इस्तीफा, ठीक है इस्तीफा हो गया। अगला, इनका पद समाप्त हो सकता है मृत्यु के दौरान, ठीक है, मृत्यु के बाद। आगे, अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसका पद समाप्त हो सकता है। अब देखो, इसको समझना है, सपोज क्या होगा, सरपंच ने क्या किया, इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया, क्लियर है क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान देना, चूंकि सरपंच ने त्याग पत्र दिया, इसलिए सरपंच का पद क्या हो गया, स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। समझ में आया सरपंच ने इस्तीफा दिया, सरपंच का स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। हमारे पास क्या है, 20 पंच लोग हैं, कितने पंच रहते हैं, मैक्सिमम 20 पंच होते हैं, और मिनिमम 10 पंच हो सकते हैं ग्राम पंचायत पे। तो ध्यान में, ये जो पंच है ना, इन लोग मिल करके आपस में जो सरपंच चुनेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, स्थान आपन्न सरपंच कहते हैं। तो ध्यान रहे बेटा, इसको अपन अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं कहेंगे। जब सरपंच इस्तीफा देगा तो सरपंच का पद रिक्त हो गया। और ध्यान रहे बेटा, सरपंच का पद कितने दिन तक रिक्त हो सकता है, तो मैक्सिमम छह महीने तक सरपंच का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। तो इस दौरान ग्राम पंचायत के कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए, गांव वालों को मार्गदर्शन करने के लिए, कार्य को ठीक है करने के लिए, जो पंच है अपने में से स्थान आपन सरपंच का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, क्लियर है। आकर तो जो स्थान आपन चुनाव सरपंच है, इसका कार्यकाल मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है, कितने महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, क्लियर है यहां तक। दूसरा, लेकिन अगर सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो गया,
सरपंच का कार्यकाल चुनाव समाप्त हो गया तो सीधा फिर क्या होता है, चुनाव होता है। देखो कार्यकाल मतलब 5 वर्ष हो गया, बीत गया, तो बेटा जब कार्यकाल बीत गया तो ऑब्वियसली बात है तुरंत चुनाव होगा, वेट तो नहीं करेंगे। लेकिन सपोज जैसे कोरोना महामारी चल रही थी, सपोज कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, क्लियर है यहां तक, सपोज नक्सली हमला हो गया, कुछ भी दिक्कत हो, तो लेकिन अगर सरपंच का चुनाव सपोज लंबित हो गया अपरिहार्य कारण, आजकल बहुत सुनते होंगे आप लोग अपरिहार्य कारण से ऐसा वैसा हो गया है करके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सपोज सरपंच का चुनाव अपरिहार्य कारण से क्या हो गया बेटा, लंबित हो गया, उस कंडीशन में ये जो पंच है ना 20 पंच, यही लोग क्या करेंगे आपस में अप्रत्यक्ष तरीके से किसी व्यक्ति को सरपंच के रूप में चुनते हैं, याद रहेगा। तो ध्यान रखना इसको अपन बोलते हैं सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव कब होता है, तो क्या बताओगे, जब चुनाव लंबित होता है, याद रहेगा। तो ध्यान देना ये मैंने बोला आपको। तो चलो प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा, सक्षम अधिकारी द्वारा नामित पंच, नहीं बेटा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकता सरपंच के रूप में। दूसरा तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, बिल्कुल स्थानापन्न सरपंच जब इस्तीफा देता है उसके बाद बनता है, तो याद रखना जो सरपंच है इसको अपन बोलते हैं सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, क्या कहते हैं सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम सरपंच, नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या इसको अपन प्रोटेम सरपंच नहीं बोल सकते जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है। ग्राम पंचायत का एक महिला या एक ST/SC पंच, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान देना जो प्रश्न नंबर 1 है इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा, अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा बेटा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद में आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ये भी कोशिश करो कि व्हाट्सएप स्टेटस में इसको प्लीज लगाओ, इतना कृपा करो, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं, ध्यान में ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगला पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ध्यान से देखो, पहले एक बार रीड करो बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है रीड करो, ठीक है, फिर इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है भाई। मान लीजिए कुछ अनियमितताओं के कारण, वही अपरिहार्य कारण के कारण, अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया गया, तब क्या होगा। हम सपोज बिना किसी रीजन के या कोई भी रीजन से सपोज हमने क्या किया, ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया 5 साल से पहले ही कर दिया, तो क्या कंडीशन बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। यहां तक पहला शासन समिति का गठन होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया बेटा, पंचायत का विघटन कर दिया। सपोज हमने पंचायत को नगर पंचायत बनाने का सोचा है, सपोज हमने ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल करने का सोचा है, तो विघटन कर दिया ना उसका, तो ध्यान रखना। लेकिन अभी तुरंत तो शामिल नहीं होगा, केवल हमने घोषणा मात्र किया है, तो ध्यान रखना जब तक अपन अनाउंसमेंट किए हैं तब तक वहां पर क्या होता है, एक शासन समिति का गठन होता है। ये पॉइंट सही है, गलत नहीं, याद रखना क्या बोला मैंने। ध्यान रखना जैसे अपन क्या करते हैं पंचायत का विघटन करते हैं, तो जब तक वहां पर नया चुनाव नहीं हो जाता, जब तक वहां पर कोई नया सरकार नहीं आता, तब तक वहां पे शासन समिति गठित रहती है, क्लियर है यहां तक। दूसरा ग्राम सभा एक समिति का गठन करेगी, नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत विघटित हो गया तो बेटा अभी ग्राम सभा के पास उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इसलिए ये गलत है। आगे नई पंचायत के गठन तक उक्त गांव या ग्राम पंचायत विहीन होगा, क्लियर है। देखो वहां पे तो ग्राम पंचायत नहीं होगी, सही बात है, क्लियर है यहां तक। लेकिन ध्यान रहे बेटा वहां पर अगर देखा जाए शासन समिति रहेगी, क्लियर है यहां तक, तो याद रखना ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, चौथा समिति नई ग्राम पंचायत के गठन तक काम करेगी, कौन सी समिति, शासन समिति। मैंने बोला था कि भाई जैसे ही अपन क्या करेंगे पंचायत का विघटन करेंगे, तुरंत हम क्या करते हैं वहां पे शासन समिति का गठन करते हैं, और वो समिति कब तक रहेगा, कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक वहां पे नया पंचायत का चुनाव ना हो जाए, या फिर जब तक वहां पर नया पंचायत का गठन ना हो जाए, तब तक वो शासन समिति क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी, सही बात है, सही बात है ना। अब देखो सपोज हमने नया ग्राम पंचायत के लिए चुनाव किया है, तो इसका जो हमारे पास कार्यकाल है कितने दिन तक होता है, जो पुराने का होता है, क्लियर है। तो याद रखना इसमें ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, ठीक है यहां तक, तो याद रखना जो हमारे पास प्रश्न नंबर जो हमारे पास कौन सा है 2 है, इसका उत्तर क्या होगा, सी, क्लियर है। यहां पे एक वर्ड है, उस वर्ड को मैं समझाता हूं, ठीक है, देख लो अच्छे से क्या है, याद रखना सपोज हमारे पास कोई सरपंच है,
सपोज ए नाम का व्यक्ति सरपंच बना, ए नाम का व्यक्ति क्या हुआ बेटा, सरपंच बना, और सरपंच बना आधिकारिक रूप से कब बना, प्रथम सम्मेलन शपथ लिया। तो जाना इस व्यक्ति ने क्या किया, सपोज एक 10 नवंबर वर्ष 2020 को सरपंच के रूप में क्या लिया, शपथ लिया। तो ये कब तक सरपंच रहेगा, 10 नवंबर वर्ष 2025 तक सरपंच रहेगा, 5 साल तक। सही बात है, इसको याद रखना, क्लियर है यहां तक। अब देखो बेटा, लेकिन सरपंच बना क्योंकि तो पंचायत चुनाव हुआ था, तो ध्यान देना पहली बार पंचायत का गठन कब हुआ था, आधिकारिक रूप से और नॉर्मल तरीके से पंचायत का गठन कब हुआ था, तो ध्यान देना बेटा 10 नवंबर 2020 को। तो ये पंचायत कब तक रहेगा, 10 नवंबर 2020 से लेकर के 10 नवंबर 2025 तक। तो ध्यान देना ये है पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल कितने दिन तक रहेगा, 5 साल तक। तो इस 5 साल की अवधि में व्यक्ति नंबर ए का कार्यकाल क्या रहेगा, 20 से 2025 तक। लेकिन अपरिहार्य कारण से इस व्यक्ति का डेथ हो गया, या फिर अपरिहार्य कारण से इसने क्या किया, सपोज इस्तीफा दे दिया, या फिर इसका पद क्या हो गया, रिक्त हो गया अपरिहार्य कारण से, बराबर यहां तक। तो ध्यान देना सब उसके बाद क्या हुआ, फिर चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद सपोज कोई बी नाम का व्यक्ति क्या हुआ, फिर क्या बनता है, सरपंच बनता है। क्या बनता है, सरपंच। किस नाम का व्यक्ति, बी नाम का जो व्यक्ति, ये क्या बनता है, सरपंच बनता है, ठीक है ना। तो जब बी नाम का व्यक्ति सरपंच बनेगा, सपोज ये सरपंच बना, ठीक है, जब इसने क्या किया, सपोज सरपंच के लिए क्या किया, 15 दिसंबर 2021 को क्या लिया, इसने शपथ लिया। सपोज वो एक साल तक सरपंच था, शपथ समाप्त हो गया, ठीक है यहां तक। तो 15 दिसंबर 2021 को इसने क्या किया, शपथ लिया। तो बेटा ये कितने दिन तक सरपंच रहेगा, यही मैं बताना चाहता हूं, 10 नवंबर वर्ष 2025 तक ही यह व्यक्ति क्या रह सकता है, सरपंच। क्यों, क्योंकि पंचायत का हमने विघटन नहीं किया है, पंचायत का गठन किया था 2020 में, तो पंचायत खत्म कब होगा, कार्यकाल समाप्त कब होगा, 2025 तक। इसलिए मैंने बताया था पदाधिकारियों का कोई कार्यकाल नहीं होता, पदाधिकारियों का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल पर निर्भर करता है। तो पंचायत का कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का। तो इस बीच जितनी भी सरपंच है आने दो, लेकिन बेटा कार्यकाल समाप्त कब होगा, 10 नवंबर वर्ष 2020। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज अपरिहार्य कारण से इसका भी पद क्या हो गया, समाप्त हो गया, फिर चुनाव होगा 6 महीने के भीतर, तो व्यक्ति नंबर सी क्या बनेगा, सरपंच बनेगा। व्यक्ति नंबर सी क्या बनेगा, सरपंच बनेगा। सपोज ये सरपंच बनता है 10 जनवरी 2023 को क्या बनता है, सरपंच बनता है। तो कितने दिन तक बनेगा, 10 नवंबर वर्ष 2025 तक ये क्या रह सकता है, सरपंच रह सकता है। ये ग्राम पंचायत के बारे में है, ठीक है। तो लास्ट क्या है, 10 नवंबर 2025, क्लियर है यहां तक। अब एक ये तो समझ, आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आखिरी बात, सपोज अपरिहार्य कारण से सपोज सी का भी डेथ हो जाता है, किसका डेथ हो जाता है, सी का। तो फिर चुनाव, फिर याद रखना अब क्या होगा, डी आता है। लेकिन सुनना अच्छे से, अपरिहार्य कारण से किसका डेथ हो गया, सी का। लेकिन बेटा सी का डेथ हुआ है सपोज, ठीक है, और कब हुआ है, ध्यान रखना मैं बताता हूं, सपोज 10 सितंबर, ठीक है, सपोज 10 सितंबर 2025 को क्या हो गया, सी का डेथ हो गया। 10 सितंबर 2025 को क्या हुआ, सी का क्या हो गया, डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। तो बताओ अब चुनाव होगा, अब याद रखना अभी जो चुनाव हुआ उपचुनाव हुआ, कौन सा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ। सी के टाइम भी जो हुआ वो भी कौन सा चुनाव था, उपचुनाव था, आम चुनाव तो नहीं था ना। लेकिन जब सी का डेथ हो गया, देखो टाइमिंग कितना बचा है, 10 सितंबर 2025 कितना महीना बचा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीना बचा है। तो बेटा अगर 2 महीना से कम समय, मतलब 6 महीने से अगर कम समय बचा हो, तो याद रखना यहाँ पे उपचुनाव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल चुनाव होगा, आम चुनाव होगा, बराबर। यहाँ तक समझना क्या बोला मैंने। तो ये था प्रश्न नंबर 2 से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, एक बार रीड कर लो, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कितना क्लियर है यहां तक, ठीक है, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख लो, ठीक है भाई। जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद रहेगा,
कौन सा कथन सही नहीं है। जनपद पंचायत पहला दो लगे है, 5,000 की आबादी के लिए देखते हैं, 12,500 की आबादी के लिए जनपद पंचायत का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तीसरा है, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे, देखते सही गलत है। प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे। अब ये बताओ, कल मैंने बताया था जनपद पंचायत में मिनिमम कितने सदस्य होंगे, 10, सही है। जनपद पंचायत में मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, 25, ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन ए और बी में क्या सही है क्या गलत है, क्लियर है यहां तक? तो देखो बेटा ध्यान से, जब हम बात करते हैं पंचायत के स्ट्रक्चर का, संरचना का, जिसका उल्लेख आर्टिकल 243 सी में दिया गया है, जिसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल 243 सी पे है, इसके अंतर्गत ग्राम हमारे पास पंचायतों का छत्तीसगढ़ राज्य में तीन स्ट्रक्चर है, एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत, याद रहेगा। तो ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे पास ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम जनसंख्या 1,000 होगी, कितना होगा क्या बताओगे, ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम जनसंख्या हमारे पास कितना है, 1,000, अर्थात ग्राम पंचायत कम से कम 1,000 की जनसंख्या पर क्या होता है, गठित होता है, याद रहेगा यहां तक। दूसरा, जनपद पंचायत के लिए कम से कम जनपद पंचायत का एक सदस्य, सुनना इसके सेंटेंस को, जनपद पंचायत का एक सदस्य कम से कम मिनिमम 5,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य 50,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, एक सदस्य। अब मैंने ये भी बोला था ग्राम पंचायत में 10 से 20 हो सकता है, जनपद में 10 से 25 हो सकता है और जिला में 10 से 35 हो सकता है। तो बेटा जनपद पंचायत के लिए कितना होना चाहिए, एक सदस्य के पास 5,000 जनसंख्या, क्लियर है? तो ठीक है, अब इसको बताओ, अब बताओ बेटा इसमें क्या सही की क्या गलत होगा, 5,000 की आबादी पर ये सही की गलत है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही, तो उत्तर क्या होगा आपका, यही गलत दिख रहा है ना, पहचानना क्या है क्या सही नहीं है। तो ध्यान देना, जनपद पंचायत के लिए जो हमारे पास 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए, गलत है। जनपद पंचायत का एक सदस्य मिनिमम 5,000 की जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको दिमाग में बिठाना है, ठीक है यहां तक। तो ये अपने पास तीन प्रश्न हो गए, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहले एक बार अच्छे से रीड करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक बार समझते हैं अपन, ठीक है। यहां तक देखो, जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है, पहला, निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा, निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा, देखते हैं सही की गलत है, याद रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, जैसे जनपद पंचायत में चुनाव होता है किसका, जनपद सदस्य का प्रत्यक्ष रूप से, फिर उन लोग मिलकर के जनपद उपाध्यक्ष हो और वही लोग मिलकर के जनपद अध्यक्ष को क्या करते हैं, चुनते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, लेकिन चुनते तो है ना, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जनपद सदस्य है, ये व्यक्ति जनपद अध्यक्ष है, ये व्यक्ति जनपद उपाध्यक्ष है, तो हम क्या करते हैं इनके नाम का प्रकाशन करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना लोगों को कि ये व्यक्ति क्या है, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हमारे पास सही है, नाम का प्रकाशन किया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा, क्लियर है यहां तक। आगे, अर्थात कलेक्टर जी करेंगे, याद रखना, उक्त प्रशासन के 30 दिन के भीतर, ठीक है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जनपद की बैठक बुलाई जाएगी, बिल्कुल, जिस दिन कलेक्टर महोदय ने क्या किया है, जनपद के पदाधिकारियों के नाम का प्रकाशन किया है, से लेकर के एक महीने के भीतर, अर्थात 30 दिन के भीतर उनको जनपद पंचायत का बैठक बुलाना अनिवार्य होगा और यह प्रथम बैठक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रथम बैठक कहलाएगा, ठीक है। तीसरा में चलते हैं, उक्त प्रशासन के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक, नहीं बेटा 15 दिन नहीं 30 दिन, ये सही है, प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक गणना की जाती, नहीं, याद रखना कार्यकाल की गणना प्रथम बैठक से की जाती है, ना कि प्रकाशन की तिथि से, हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो, कार्यकाल की गणना, ध्यान दे बेटा, प्रकाशन की नहीं, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक माना जाता है, क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला, प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि, ठीक है, की गणना की जाती, सही बात है, प्रथम सम्मेलन से लेकर के 5 वर्ष, क्लियर, अर्थात ये भी सही, तो देख लो क्या सही है, 1, 2, 5, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 5 भी, ऑप्शन में कहीं है क्या,
हाँ भाई, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास चार है उसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, देख लो ऑप्शन नंबर सी याद रहेगा। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, पांच लेते हैं। ठीक है, वो समझ में आया होगा ना आपको। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर पांच को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पांच क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, ये हमें पहचानना है। ठीक है, देख लो अच्छे से, सही क्या है गलत क्या है, क्लियर है यहां तक? देख लो, पहला हमारे पास है, ऑप्शन को पढ़ो, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आया समझ में? ध्यान रहे बेटा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो फिर बिज्जती है उसका। सही बात है ना, याद रखना वो ब्लॉक का नहीं करेगा बेटा, वो पूरा जनपद क्षेत्र, मतलब याद रखना, मतलब सपोज हमारे पास कितने हैं, 25 जनपद सदस्य हैं, तो ध्यान देना जैसे एक जनपद सदस्य अपने जो पर्टिकुलर एरिया उसका प्रतिनिधित्व करेगा, तो जनपद अध्यक्ष ना जो 25 जनपद सदस्य उन सभी का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, तो ब्लॉक का तो नहीं करेगा वो, याद रखेगा। दूसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, अभी बताया था मैंने। सपोज 25 सदस्य है ना, तो ये 25 अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने, याद रहेगा? तो ऑप्शन नंबर दो सही है। फिर पढ़ते हैं तीसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, समिति भी बताऊंगा मैं, ठीक है यहां तक। इसमें जो समितियां हैं जनपद में या फिर जिला में, याद रहेगा? तो बेटा ध्यान देना, जनपद में बोलो, जिला में बोलो, या फिर गांव ग्राम पंचायत में बोलो, जो सामान्य प्रशासन समिति है इसका मुखिया जनपद अध्यक्ष होगा, जनपद में, जिला में जिला अध्यक्ष और ग्राम में सरपंच होता है। शिक्षा समिति जो होता है उसका मुखिया गांव में उप सरपंच होता है, जनपद और जिला में उपाध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है बराबर। ठीक है, तो याद रखना ये भी हमारे पास क्या है, सही है। अगला पढ़ते हैं चौथा नंबर का, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है। बिल्कुल, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। ये रहे सही की गलत है, देख लो अच्छे से, अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखो भाई, सही की गलत है, जल्दी बताओ ये सही है कि गलत है। ठीक है, बताओ भाई, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है, क्लियर है हाँ कि नहीं, चलिए बताओ। नहीं बेटा ये गलत है, याद रहेगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, देखो दो भी सही है, तीन भी सही है, एक भी सही है, इसलिए एक दो तीन इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा किसका, प्रश्न नंबर पांच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर छह की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छह का एक बार रीड करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर छह को अच्छे से एक बार रीड करो, फिर अपन क्या करते हैं इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तक देख लो अच्छे से, यदि राज्य सरकार द्वारा जनपद पंचायत का विघटन कर दिया जाता है तो क्या होगा, यहां पर बात हो रही है जनपद पंचायत का विघटन, अगर इसका विघटन हो गया तो क्या होगा। पहला, ठीक है यहां तक, जनपद पंचायत के कार्यों का संपादन करने के लिए राज्य सरकार एक समिति की नियुक्ति करेगी, क्लियर है यहां तक। जैसे अभी बताया था ना, जब ग्राम पंचायत का हमने क्या किया था, विघटन किया था, तो वहां पे कौन काम कर रहा था, शासन समिति। तो याद रखना सेम चीज, इसके लिए भी याद रखना, अगर जनपद पंचायत का विघटन हो गया तो उनके कार्यों के संपादन के लिए एक समिति का गठन कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार था, राज्यपाल करेगा। ये सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, आगे, समिति पंचायत की शेष अवधि तक के लिए कार्य करेगी, ऐसा नहीं है, समिति तब तक काम करेगी जब तक नवीन पंचायत का चुनाव ना हो जाए, ना कि शेष अवधि तक। ठीक है, समिति को वैधानिक कार्यवाही करने की शक्ति होगी, नहीं, क्लियर है यहां तक। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, यह भी नहीं, याद रहेगा। तो ध्यान देना इसका उत्तर क्या होगा बताओ, तो ध्यान देना इसका उत्तर क्या होगा, केवल पहला वाला सही दिख रहा है मेरे को, तो ध्यान देना इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा बेटा,
उदाहरण जो प्रश्न नंबर 6 है इसका उत्तर क्या मिलेगा, केवल एक, क्या कि अगर जनपद पंचायत का विघटन हो गया तो उसके कार्यों को संपादित करने के लिए, काम करने के लिए राज्य सरकार अर्थात राज्यपाल क्या करेगा, वहां पे समिति का गठन करेगा, समिति को नियुक्त करेगा, क्योंकि सरकार ने अपॉइंट किया समिति को। तो बेटा उस ये हो ही नहीं सकता कि जो वहां के जो मेंबर है वो समिति को निर्वाचित करे। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार अच्छे से आप लोग रीड करो और बताओ इसमें कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बराबर यहां तक क्लियर है, देख लो भाई दिख रहा होगा ये। ठीक है, बनाते हैं इसको। पहला, सम्मेलन जो हमारे पास पंचायत का जो सम्मेलन होता है उसके विषय में क्या सही है, इसके संबंध में, बैठक के संबंध में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति, ठीक है, देखो मैं गणपूर्ति की बात बता देता हूं। गणपूर्ति की अगर बात करोगे, मैं कल ग्राम सभा का गणपूर्ति बताया था इसका, ग्राम सभा का, लेकिन आज अपन बात करते हैं, सपोज ग्राम पंचायत का बैठक होता है, सपोज जनपद पंचायत का बैठक होता है, और सपोज जिला पंचायत का बैठक होता है, ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत का, जिला पंचायत का। कितना क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया ना? तो ध्यान रहे पड़े, जब अगर सपोज ग्राम पंचायत का बैठक होता है, क्लियर है यहां तक, तो ध्यान रहे इसके बैठक में गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/2, 50%, जनपद में 1/3 होना चाहिए, जिला में भी कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, इसको याद रखना। क्लियर है यहां तक, ग्राम पंचायत का बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम 1/2 टोटल सदस्य का, जनपद के लिए 1/3, जिला के लिए कितना, 1/3, बराबर। यहां तक देखो, ग्राम पंचायत में कितने मेंबर हो सकते हैं, 10 से 20, जनपद में 10 से 25 और जिला में 10 से 35। ठीक है, उस बेसिस से देख लेना इसको। चलो इसको बनाते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है, गलत है, होगा ही नहीं। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है, बिल्कुल सही है, बराबर यहां तक। आगे, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 है, यह भी सही है। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है, 1/2 है, बिल्कुल सही है, ठीक नहीं जी। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है, गलत है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है, यह भी गलत है, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 है, और आठवां स्टेटमेंट यह भी दे दिया है कि जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 है, यह भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। और बोला है कि जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 है, यह भी गलत है, बहुत बड़ा दे दिया था, जबरदस्ती का प्रश्न, ठीक है ना। लेकिन उत्तर अगर देखा जाए तो मैं बताया था उत्तर क्या होगा, केवल ना 2, 3, 4 यही बस सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर याद रखना इसमें क्या होगा, डी होगा, इसमें केवल 2, 3, 4 ही सही है, बाकी सबके सब क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से रीड कीजिए आप लोग, ठीक है। चलो भाई, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है, यहां पे उसका जो फॉर्मेशन होता है उससे प्रश्न पूछा गया है, एक बार रीड करो, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है, इतना क्लियर है, इसको देख लो, ठीक है। ठीक है भाई, देखो आगे से, जिला पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, याद रहेगा, इसको मैं समझा देता हूं आपको, जिला पंचायत, ठीक है, फिर जनता भी बताता हूं। जिला पंचायत बराबर निर्वाचित सदस्य, कौन होगा, निर्वाचित सदस्य होगा, याद रहेगा, जिला पंचायत बराबर क्या होगा, निर्वाचित सदस्य होगा, कितना क्लियर है, इसको याद रखना। दूसरा कौन होगा, विधायक जो उस जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, और पूरी तरह 100% क्या हो, ग्रामीण हो, ना कि शहरी, ना तो नगरीय, ठीक है ना। अगला होगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक लोकसभा से और एक क्या से, राज्यसभा से, आप ये नहीं समझ में आया, इनसे मिलके क्या बनता है, आपका जिला पंचायत बनता है। तो निर्वाचित सदस्य होता है, विधायक होता है, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी होगा,
तो देखते हैं, इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। पहला, तो जिला पंचायत कैसे बनता है? तो पहला है जिला के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, नहीं जिला नहीं बेटा, जिला मतलब उसमें नगर भी आएगा गांव भी आएगा, तो हो ही नहीं सकता। जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, बिल्कुल ये रहेगा, मैंने बोला था जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य होगा, ठीक है यहां तक इसको याद रखना। आगे एक सेकंड रुकना, गलत है, एक सेकंड रुकना बेटा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार इसको रीड करो। तो जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है, ठीक है ना, जिला पंचायत की रचना के संबंध में क्या सही है, इसको एक बार अपन देखते हैं। देखो पहला है, जिला पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य होता है ना, बिल्कुल ये सही है। फिर है जिला से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, नहीं। फिर पढ़ना, जिला से निर्वाचित लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरी नहीं हो, 100% नगर ना हो, याद रहेगा ध्यान, तब जाके इसको अपन जिला पंचायत का में शामिल कर सकते हैं, ठीक है इसको याद रखना। आगे, विधानसभा सदस्य जो जिले से निर्वाचित है, नहीं। अब पढ़ना, विधानसभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो देखो एक भी सही हो गया, तीन भी सही हो गया, पांच भी। देखो बेटा, विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हो, सांसद जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तरह से नगरी ना हो, तब इसको अपन जिला पंचायत की स्ट्रक्चर में शामिल करते हैं। और आगे अगर देखा जाए, कितने हो गए, ठीक है, जिले के जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष, ये भी हो गया, क्लियर है यहां तक। देखो निर्वाचित सदस्य हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, और क्या होगा हमारे पास, जनपद अध्यक्ष, ध्यान देना बेटा, मिल गया सब आपको, ध्यान में, ये सब मिल के क्या बनते हैं, जिला पंचायत को बनाते हैं। जिला पंचायत की पंचायतों के 20% अध्यक्ष, नहीं ये ग्राम जनपद के लिए लागू होता है, इसलिए इसका उत्तर देखो 1, 3, 5, 6 दिख रहे कहीं पे ऑप्शन पे, हाँ याद रहेगा। तो देख लो जिला पंचायत कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया अभी, जिला पंचायत में एक निर्वाचित सदस्य लोग होंगे, विधायक जिसका निर्वाचित क्षेत्र ग्रामीण हो, पूरी तरह से नगरी ना हो, इतना क्लियर है यहां तक। सांसद लोकसभा सांसद, लेकिन जिसका निर्वाचन क्षेत्र क्या ना हो, पूरी तरह से नगरी ना हो, और राज्यसभा सांसद का निशान ये है, इसका वोटर आईडी कार्ड पर्टिकुलर उस निर्वाचन क्षेत्र से हो। और अगला, जिला पंचायत के अंदर का जितने भी जनपद अध्यक्ष हैं, वो भी पदेन रूप से जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो ये सब क्या है, जिला पंचायत के स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है यहां तक। अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो बेटा रीड करो, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, क्लियर है यहां तक, देख लो। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा अर्थात बजट एवं प्रशासकीय रिपोर्ट के संबंध में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है इसको पहचानना है। तो देखो, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है, ठीक है, सही है, ठीक है ना। इस रिपोर्ट को, एक सेकंड, इसमें सही है कि गलत है, एक बार अच्छे से देखो तो, ठीक है बेटा, हाँ सही नहीं है उसको पहचानना है। तो यह पहला बार तो सही हो गया, इस रिपोर्ट को जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठकों में, बिल्कुल बैठक में तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा, सही बात है। इसे हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करना होता है, नहीं बेटा हिंदी में, ये गलत है, हिंदी भाषा में प्रकाशित करना होता है। इसे संबंधित कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करना होता है, बिल्कुल सही है। तो याद रखना इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपको उत्तर है, अर्थात गलत क्या है, गलत ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सी है, बराबर। यहां तक ये था क्वेश्चन नंबर 9 से जुड़ा हुआ जानकारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और बताओ इस राज्य के ग्राम पंचायत में, ठीक है ना, देख लो अच्छे से, इस राज्य के ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती है, जल्दी बताओ तो आप लोग, इस राज्य के ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती है, बताओ बेटा कितनी समिति होती है, एक होता है, दो होता है, तीन और की पांच होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताइए इसमें कितनी समिति होती है। याद रखना इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, पांच, कितनी समिति हमारे पास है, पांच। अब उन समिति का नाम देख लेते हैं, तो ध्यान देना बेटा, हमारे पास ग्राम पंचायत की जो हमारे पास समिति है, क्लियर है यहां तक,
उसमें पहला जो हमारे पास समिति होगा, पहला है सामान्य प्रशासन समिति। कौन सी समिति है? सामान्य प्रशासन समिति। दूसरा है शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति। शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद याद रखिएगा निर्माण एवं विकास समिति, ठीक है, निर्माण एवं विकास समिति। इसके अलग अलग कार्य रहेंगे, मैं फिलहाल अभी आपको नाम बता रहा हूं, निर्माण निर्माण एवं विकास समिति, इतना क्लियर है, इसको याद रखना। आगे है कृषि राजस्व एवं वन समिति, ठीक है, और ये नया आया, ठीक है, उसका नाम है गौठान समिति। ये ग्राम पंचायत में नवीन समिति कौन सी रचा बता बेटा? गौठान समिति। बराबर यहां तक क्लियर है, इसको प्लीज याद रखना, ध्यान देना। ये जो कृषि, ये हमारे पास गौठान समिति है, इसको हमने 2019 से शामिल किया है, काफी संशोधन के बाद 2019 में इसको शामिल किया है। अभी तक कितने संशोधन हो गए कमेंट करके बताओ तो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में अब तक कितने संशोधन हो गए कृपया कमेंट करके बताइए। क्लियर नहीं आता तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 क्या है एक बार अच्छे से पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, देखो प्रश्न नंबर 11 क्या है, पहले पढ़ दो, आपके पास सीरीज दिया हुआ है, एक समिति है, ग्राम पंचायत की समिति दी गई है एक तरफ, और एक तरफ क्या दिया गया है उनका कुछ हमारे पास अधिकारी, संबंधित अधिकारी के बारे में दिया गया है। क्लियर है यहां तक? देख लो, तो सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति का मेन अधिकारी कौन होगा बेटा बताओ तो? पटवारी होगा क्या, कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग या सचिव? बिल्कुल ये होगा, इसलिए ए होगा। ए का देखो चार कहीं पे है क्या? ए का चार मतलब या तो ए हो सकता है, बिल्कुल, उसके बाद दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए ए, होना चाहिए ना, ए होना चाहिए। देखते हैं उत्तर क्या है एग्जैक्ट। शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, इसका अधिकारी कौन होगा बताओ तो? शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, इसका अधिकारी कौन होगा? तो पटवारी तो होगा ही नहीं, कृषि विस्तार अधिकारी होगा ही नहीं, तो क्या कौन होगा? ग्रामीण विकास विभाग के सहायक विकास विस्तार अधिकारी, याद रहेगा। तो ध्यान में इसका उत्तर क्या मिलेगा? बी मिलेगा, देख लो बी है, ठीक है। आगे कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति, तो बेटा कृषि विस्तार अधिकारी होगा ना इसके लिए, ये भी याद रखना। तो राजस्व वन समिति के लिए अधिकारी कौन हमारे पास? पटवारी और वन रक्षक होगा जी, क्लियर है आता, इसलिए तो प्रश्न नंबर 11 इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा, क्या मिलेगा? ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो समिति है, समिति पर नियंत्रण के लिए, समिति के कामकाज के लिए हमारे पास अधिकारी का वो मैच करना था, ठीक है ना। कृपया इस प्रकार के प्रश्न को जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न सीजीपीएससी आजकल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको उस लेवल पे जाकर के समझना, कभी कभी क्या होता है इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो ऑप्शन से बन जाते हैं, इसका ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, प्रश्न एक बार पढ़ लो। सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? सूखा से निपटने के लिए योजनाओं को अपन किस स्तर पर तैयार करते हैं? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, संभाग? तो याद रखना, मैं इसका उत्तर बता दूं, इसका उत्तर आपको मिलेगा सी, विकासखंड स्तर पर, ठीक है ना। ठीक है, इसको देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार हैं? बराबर, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति का है? बराबर यहां तक। तो पहले, इससे पहले मैं आपको क्या करता हूं, देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास ग्राम पंचायत है उसमें कितनी समिति होती है? 5। लेकिन बात करते हैं जिला और जनपद पंचायत में ना, ठीक है, जिला और जनपद पंचायत में, तो इसमें मैक्सिमम 7 स्थायी समितियां होती है। कितनी स्थायी समिति होती है? 7। इसमें पहला आपको मिलेगा, देखो ध्यान से, पहला तो आपको याद रखना है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा आपको याद रखना है शिक्षा समिति, तीसरा आपको याद करना है कृषि समिति, सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति, इतना क्लियर हुआ। आगे आपको याद करना है संचार एवं संकर्म समिति, ये 4 हो गया, ठीक है, 3 और देख लेते हैं।
उसके बाद आपको याद करना है सहकारिता और उद्योग समिति, ठीक है, सहकारिता एवं उद्योग समिति कितने पांच, याद करते जाइए, कितने समिति होगी हमारे पास, ठीक है। आगे स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य और महिला एवं बाल, महिला एवं बाल विकास समिति, ठीक है, इसको याद रखना, इतना के लिए बाल कल्याण समिति। और लास्ट है वन समिति। तो ध्यान देना बेटा, जनपद में जिला में अगर बोला जाए टोटल हमारे पास कितनी समिति होती है, सात समिति होती है, और इन सात समिति के पास काम भी अलग अलग होते हैं। तो इसी को लेकर के अभी प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्या है देखो कि भाई एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, प्रश्न क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत के किस स्थायी समिति के क्षेत्र अधिकार। तो ध्यान देना बेटा, एकीकृत ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है वो सामान्य प्रशासन समिति का प्राइमरी काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक है, याद रहेगा। तो ध्यान देना, अभी आपने जो लिखा है ना, एकीकृत ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है ये, इसका उत्तर क्या मिलेगा, सामान्य प्रशासन समिति, ये प्रशासन समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम में से एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14 में आते हैं, ठीक है। 14 क्या है देख लो ध्यान से, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है, याद रहेगा, जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के संबंध में सही क्या है, देखते हैं, इसी को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, यही चीज को समझते हैं बराबर, यहां तक देख लो अच्छे से, सही क्या है देख लो। देखो भाई, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, सही कि गलत है, नहीं बेटा, ठीक है ना, सामान्य प्रशासन समिति के जो सदस्य हैं, अगर देखा जाए इनके सदस्य, याद रखना, जैसे अभी मैंने बताया था सात समिति, तो जो छह समिति अपने है ना बाद में, उन समिति के सभी अध्यक्ष जनपद पंचायत के जो जितने भी समिति है उनके सभी अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सदस्य होते हैं, ना कि वो अध्यक्ष के द्वारा नामित होते, इसलिए वो गलत हो गया, बराबर यहां तक इसको ध्यान देना। आगे, इसके सदस्य जनपद पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, याद रहेगा, ठीक है। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है, क्योंकि सामान्य प्रशासन समिति बजट पर और अकाउंट पर बात ऑब्वियसली बात विचार करेगा, ठीक है। अन्य समितियों के सभापति इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, बिल्कुल अभी बताया था मैंने, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं वो समिति, वो जनपद पंचायत के सभी समितियों के क्या होते हैं मेंबर, याद रखना, सभी समिति के, ये भी सही है। यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है, नहीं करती है, ये काम इसका नहीं है, ठीक है ना। तो देख लो क्या क्या सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, पांच सही है, यहीं पे दिख रहा है, दो तीन चार पांच, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्या मिलेगा, बी। ध्यान में रहे बेटा, जो प्रश्न नंबर 14 है, 14 है, इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। आई होप ये समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट है कृपया कमेंट करके प्लीज पूछिएगा, अगर समस्या है तो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15 पे देखो, जनपद पंचायत के शिक्षा समिति, अब देखो शिक्षा के बारे में पूछा है और सही क्या है, देख इस तरीके के प्रश्न आपको तैयार करना है बेटा, ठीक है ना। देखो, इनमें पांच सदस्य होते हैं, शिक्षा समिति बोल रहा है, ठीक है, इसके बारे में शिक्षा समिति के बारे में पूछ रहा है, बराबर यहां तक इसको याद रखना, कितने सदस्य हैं, पांच, सही बात है, ठीक है। सात सदस्य होते हैं क्या, नहीं, पांच होते हैं, इतना क्लियर हुआ यहां तक, इसको याद रखना, ठीक है। इनमें कम से कम दो महिला होती है, नहीं, कम से कम एक महिला जरूर होती है, एक महिला होती है भाई, कम से कम दो नहीं होती, ठीक है। इसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का एक सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एसटी या एससी का एक होना चाहिए, इसमें शेड्यूल कास्ट का एक सदस्य होता है, इसमें शेड्यूल ट्राइब का एक, नहीं, दोनों में से किसी एक का एक होना चाहिए, या तो एसटी का या तो एससी का, बराबर, इसलिए क्या क्या सही है, एक सही है, एक सही है, चार सही है, पांच सही है, तो दिख रहा है एक चार पांच, हाँ, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा। जो प्रश्न नंबर 15 है इसका उत्तर क्या मिलेगा, डी मिलेगा, बराबर यहां तक, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो ध्यान से देखो,
सही क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, सही क्या है पहचानना है, याद रहेगा, देखते हैं, क्लियर है, ठीक है। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, सही है, क्लियर है यहां तक। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, पंच लोग लाएंगे, क्लियर है यहां तक, ध्यान देना। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के निरपेक्ष बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से, ठीक है। उपस्थित, देखो टोटल पंचों का 2/3 और उपस्थित और मतदान करने वाला कितना होना चाहिए, 3/4, जितने पंच है उसका 2/3 होना चाहिए और जितने उपस्थित है उसका 3/4, तब जाके ये प्रस्ताव पारित होता है, उसको याद रखना, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं गलत है, 3/4 उपस्थित और मतदान करने के 3/4 होना चाहिए। चौथा पढ़ते हैं, अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, यह भी सही है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के आधे से अधिक मतों से पारित होना चाहिए, नहीं गलत है। अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है, याद रहेगा, तो ध्यान देना। अब इसका उत्तर क्या होगा, देखो तो क्या क्या सही है, 1 सही है, ठीक है, 4 सही है, ये भी ठीक है, 6 सही है, दिख रहा है क्या, उदाहरण इसका उत्तर को क्या मिलेगा, डी मिलेगा बेटा, 1, 4, 6। उदाहरण अविश्वास प्रस्ताव पंच लोग लाते हैं, सरपंच के खिलाफ लाते हैं, बराबर। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव पारित कब होगा, सपोज 20 पंच है तो 20 पंच का 2/3 बहुमत होना चाहिए, और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमने बैठक लाया है जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोगों ने मत दिया है उसका 3/4 होना चाहिए, लेकिन याद रखना वो 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, क्लियर है यहां तक, इसको याद रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, पहले इसको पढ़िए, रीड कीजिए। कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ठीक है, राइट टू रिकॉल किसके लिए आ सकता है, देखो कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जल्दी बताइए, क्लियर है यहां तक, राइट टू रिकॉल, देखो उन्हीं का ही प्रत्यावर्तन हो सकता है, ठीक है, जिनका क्या होता है, जिनका याद रखिएगा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये प्रश्न थोड़ा सा देखते हैं, तो ध्यान रखना पंच होगा, सरपंच होगा, पंच का भी होगा सरपंच का भी होगा, बराबर यहां तक, और जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा क्या, अप्रत्यक्ष होता है, नगर पंचायत के अध्यक्ष का होगा क्या, अब नहीं होगा पहले होता था, इसलिए इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, ध्यान देना इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, याद रखना इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा, जल्दी बताइए कमेंट करके भाई, नगर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, जल्दी बताओ तो कमेंट करके, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए भाई, ठीक है। मैंने बोला कि प्रत्यावर्तन उसी का होगा जिसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताओ, बाकी इस पर चर्चा शनिवार को करेंगे अपन, ठीक है ना, ठीक है बेटा, याद रखकर बता लोगे ना, इसका तो नहीं होगा बता देता हूं, अब इसका खुद बताओ, क्योंकि अभी कुछ अमेंड हुए थे, कुछ संशोधन हुए थे, उन संशोधन के बारे में आपको जानना है कि क्या नगर निकाय में जो अध्यक्ष होते हैं, जो महापौर होते हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, ये तो पता होगा, अगर प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यावर्तन होगा, अगर अप्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यावर्तन नहीं होगा, समझ में आया, बताओगे आप लोग, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, देखो भारी भरकम लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन इधर से बनाते हैं, इंग्लिश मीडियम से बनाते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सरपंच के प्रत्यावर्तन के संबंध में क्या सही है, ठीक है, देखते हैं। सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, सही बात है, सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पहले नहीं, कम से कम आधा, मतलब 5 साल के लिए होता है तो कम से कम 2.5 वर्ष हो गया हो तभी प्रत्यावर्तन को ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते, ठीक है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद 2.5 साल हो गया तो ला सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3, तो ध्यान देना ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जब लिखित रूप से मांग करेंगे ना तब जाके सरपंच के लिए प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, ये भी सही है। ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं, कम से कम 50% ज्यादा होना चाहिए, याद रहेगा, ठीक है, 2/3 ही 50%।
सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है, बिल्कुल वो अपील कर सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित अभ्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, नहीं पंच लोग नहीं करेंगे, प्रत्यावर्तन कौन लाएगा? ग्राम सभा लाती है ना कि पंच। अविश्वास प्रस्ताव को लाता है पंच लाते हैं ना कि ग्राम सभा, समझ में आया ना? इसको याद रखना है, क्लियर है? इसलिए इसका उत्तर क्या क्या है देखो तो, एक सही है, तीन सही है, चार सही है और छह सही है, एक तीन चार छह, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 19 पे आ जाओ। सही विकल्प चुने, राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा कि वे उचित समझे तदनुसार पंचायत के पदाधिकारी को हटा सकते हैं। ठीक है यहां तक? तो प्रश्न नंबर 19 पे पर पढ़िए, क्लियर है यहां तक? और इसका ऊपर उत्तर देखने का प्रयास करते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्या सही है, बराबर यहां तक? तो देखो भाई, राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करने पर किसी भी पदाधिकारी को हटा सकता है, बिल्कुल ये तो सही बात है, याद रहेगा। दूसरा, धर्म जाति भाषा पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करेगा, बिल्कुल हटा देगा उस अधिकारी को। महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होगा, बिल्कुल हटा देंगे। व्यक्तिगत अकाउंट में एक लाभ उद्यम में संलग्न होना, ठीक है यहां तक? तो नहीं, इस वजह से तो नहीं हटाएंगे अपन, लेकिन ध्यान देना इसका उत्तर क्या होगा। एक सही है, दो सही है, तीन, ठीक है, देख लो उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको मिलेगा ए, मिलेगा क्या मिलेगा बेटा? ए, केवल एक दो तीन, समझ में आया यहां तक? इसको याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट आज का हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, याद रहेगा, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है, याद रहेगा। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर, मतलब इसमें अपन योग्यता से संबंधित पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर देख लो अच्छे से किस आधार पर उसको अपन पद से हटा सकते हैं, ये रहो यहां तक देख लो अच्छे से। देखो, वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है, नहीं हटा सकते। अगर अनपढ़ है और 30 साल से कम है तब हटा सकते हैं, अनपढ़ है, 50 साल का है, 30 साल से अधिक है, नहीं हटा सकते, ठीक है, याद रखना। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में उसने नियोजन स्वीकार, अगर वो पंचायत की विरुद्ध क्या करते हैं, कोई केस लड़ना शुरू कर देता है, तो उसको अपन पद से हटा देंगे, याद रखना इसको, ठीक है। वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में उपस्थित रहता है, फिर भी हटा देंगे अपन, ये भी याद रखना, ठीक है। वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है, नहीं कर सकता विरोध, नहीं हटाएंगे। वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित है, ये भी हटा सकते हैं। उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, हटा सकते हैं, क्लियर है। देख लो क्या क्या सही है, 2 सही है, 3 सही है, 5 सही है और 6 सही, बेटा ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा देख लो आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर, होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है यहां तक। ध्यान में ये है आज का जो टॉपिक, जिसमें मैंने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में जो महत्वपूर्ण विषय थे, महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे, उससे संबंधित मैंने क्या किया, एमसीक्यू करवाया है, ठीक है यहां तक। इसके बाद का जो टॉपिक होगा, उस मैंने समिति, अब जो टॉपिक होगा वो चुनाव से संबंधित होगा, ठीक है। इसके बाद और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपन करेंगे, और साथ ही साथ जो नगरीय निकाय है उससे संबंधित भी अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू करने का प्रयास आने वाले वीडियो पे अपन करेंगे, ठीक है ना। तो अब ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं, और कल नवीन ऊर्जा के साथ, नए विषय के साथ फिर अपन आपके समक्ष क्या करते हैं, प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।